नमस्कार, मैं रामेश्वर शाह आप सभी दर्शकों को किसान हेल्प सेंटर के तरफ से नमस्कार। मैं यहाँ पूर्णिया प्रखंड में SEW के पद पर कार्य करता हूँ। हम लोग अपने VRP के माध्यम से CM दीदी के सपोर्ट से अपने कार्य क्षेत्र में वर्मी कंपोस्ट, जैविक कीटनाशक और कूड़ा कचरा आधारित खाद बनवाने का काम करता हूँ। हमारे VRP प्रियंका देवी द्वारा मसलपट्टी पंचायत के बेदल आदम ग्राम के आदर्श भी ना है मौसम भी में चांदनी एस जी की जो दीदी है इनसे सोमारी देवी दीदी का नाम है वो दीदी से हमारे VRP प्रियंका देवी यहाँ उपस्थित है। इनके प्रयास से यहाँ वर्मी कंपोस्ट बनवाया गया है जिसका विजिट हम करने यहाँ आए हुए हैं। यहाँ वर्मी कंपोस्ट विजिट किया जाएगा। इसके बाद हमारे VRP द्वारा यहाँ जीरो टिलर से गेहूं का भी खेती हुआ है उसका भी विजिट होगा जिसका वीडियो आगे बनाया जाएगा। और जीरो टिलर से SWI विधि से गेहूं बोवाने का भी काम हमने किया है। हम लोग का लक्ष्य है कि यहाँ से अपने जिला से रसायन को मुक्त करवाना। हम लोग पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं कि जैविक खेती का प्रोत्साहन दे और जैविक खेती करवा कर हमारे प्रखंड के जो किसान भाई हैं, किसान दीदी हैं, उनको बचत करावे। यानी वर्मी कंपोस्ट हम लोग जगह जगह बनवा रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से हमारे दीदी को बचत होगा। जो दीदी DAP यूरिया खरीद के लाती थी वो भी ओरिजिनल यानी शुद्ध नहीं मिलता था और पैसा भी अधिक लगता था। तो क्यों ना हमारे दीदी के पास मवेशी है, फ्री का है, गोबर है, मुफ्त का गोबर है, मवेशी का गोबर है, इसको वर्मी कंपोस्ट बनवा कर इसका उपयोग हम लोग करवाते हैं खेत में। तो सबसे पहले मेन पॉइंट है दीदी को बचत होता है, पैसा नहीं लगता है, अपने घर का चीज़ जो खाद में गोबर खाद में तब्दील होकर खेत में पड़ता है, इससे क्या होता है एक पैसा का बचत होता है। दूसरा फायदा यह है कि शुद्ध अन्न उपजता है, जो विष रहित अन्न है, जो अन्न खाने से घर परिवार में कोई भी बीमारी नहीं बढ़ता है। अभी हमारे क्षेत्र में भी देखा जा रहा है कि हर परिवार में जितने भी सदस्य हैं किसी न किसी रोग से ग्रसित है। तो रासायनिक खाद और रासायनिक दवा के छिड़काव से ये सारा बीमारी बढ़ते जा रहा है हर परिवार में। तो हम लोग ठान लिए हुए हैं कि जैविक खेती करा कर यहाँ से अपने क्षेत्र से बीमारी को धीरे धीरे भगाने के प्रयास में लगे हुए हैं और शुद्ध अन्न अपने क्षेत्र के किसानों को शुद्ध अन्न खिलाने के प्रयास में हैं। हमारे किसान जो हैं वर्मी कंपोस्ट देकर धान गेहूं सब्जी इत्यादि की आलू इत्यादि खेती करेंगे जो शुद्ध अन्न होगा जिसमें विष मुक्त होगा जिससे बीमारी नहीं होगा। और जैविक कीटनाशक जो हमारे किसान दीदी किसान भाई बना रहे हैं उसका छिड़काव हम लोग करवा रहे हैं, उससे भी कहीं से दुष्प्रभाव नहीं हो रहा है। इसलिए आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग अपने क्षेत्र में भी जैविक खेती पर पूर्ण रूप से जोर दीजिए। वर्मी कंपोस्ट बनवाइए, जैविक कीटनाशक बनवाइए, यानी कूड़ा कचरा से खाद बनवाइए, उसका भी टेक्निक है। बिना खर्च के कूड़ा कचरा के भी खाद बनता है जो DAP से 1% कम नहीं काम करता है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग भी अपने क्षेत्र में इस ढंग से खेती करवाइए और रसायन मुक्त बिहार बनाइए और अपने देश के अपने राज्य के और अपने गांव के अपने एरिया के अपने प्रखंड के पैसा बचवा। आप सभी दर्शकों के मेरा प्रणाम। मैं प्रियंका VRP आपको दिखाने जा रही हूँ वर्मी कंपोस्ट कैसे बनवाए हैं। सो देखिए आप लोग यहाँ बेदौल आदम ग्राम में पूर्णिया प्रखंड से बेदौल आदम ग्राम में हम बनवाए हुए हैं वर्मी कंपोस्ट। महिला का नाम है सोमारी देवी और उनके पति का नाम है हरिंदर मुखिया। उन्हीं का वर्मी कंपोस्ट बनवाए हैं। मौसम भीओ में है, वर्मी कंपोस्ट बनवाए हैं। देखिए प्रियंका जी, ये जो आप वर्मी कंपोस्ट बनवाए हैं कैसे बनवाए हैं, कौन कौन सी सामग्री बनवाए, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ, पहले 8 फीट लंबाई और 3 फीट चौड़ाई से बर्मी सेट बनवाए। के बाद प्लास्टिक डलवाए। उसके बाद प्लास्टिक के बाद तब उसको क्या किए, ईटा का घेर लगवाए, मैंने ईटा का खड़ा करके इसको घेर दिए। उसके बाद इसमें गोबर डलवाए
तो ईटा का घेर लगवा कर गोबर डलवा दिए जी। और गोबर डलवाने के बाद तब इसको केचुआ डाले, पुराना और नया गोबर दोनों डाले, फिर पानी पटवाए इस पर, उसके बाद पुआल से तोपवा दिए इसको। पुआल से? हाँ। पुआल से आप किस लिए तोपवाए? इसलिए कि धूप में है, धूप में, और ऊपर से पुआल से तोपाने से ठंडा में सुरक्षित रहेगा, इसलिए सुरक्षित रहेगा। हाँ, अच्छा केचुआ क्या, केचुआ का धूप से मरता है केचुआ? हाँ, धूप से मर जाता है। तो आप वही पुआल से तो बाहे केचुआ के बचाव के लिए, बचाव के लिए। तो जो आपका बर्मी है वो किस तरह से मरने का तैयार है, उसको बारे उसको दिखा सकते हैं आप? हाँ, हाँ, देखिए यही है, ये रहा मेरा बर्मी कम्पोस्ट तैयार। अच्छा, ये है आपका बर्मी कम्पोस्ट? हाँ, बिल्कुल तैयार है जी। ये चाय पत्ती की तरह है? चाय पत्ती की तरह तैयार हो गया है। तैयार होने के बाद इसी तरह से हो जाता है चाय पत्ती की तरह जी। इसमें जो आप केचुआ डलवाते हैं, केचुआ कहाँ, केचुआ दिखाइएगा जरा हमको। हाँ हाँ, जरूर। कहाँ पे केचुआ थोड़ा दिखाइए तो। सब अंदर चला जाता है, चला गया, देखिए अंदर चला गया, बहुत है इसमें। एक किलो से ये रहा। हाँ, ये है केचुआ, 200 के किलो। आप सभी दर्शक देख सकते हैं, बर्मी कंपोस्ट बहुत ही लाभदायक होता है। खेत में 4 किलो के कट्ठा में डालिए और इसका परिणाम देखिए, बहुत ही अच्छा उपजा देता है, अधिक उपजा देता है। अरे है सीएम दीदी है? दीदी, हाँ, आपका क्या सहयोग है इसमें, क्या बताए हैं? आपका इसमें क्या सहयोग है, बता सकते हैं? जी, हम बता सकते हैं। मेरा नाम हुआ सरिता कुमारी, मैं बेदौल आदम के रहने वाली हूँ। मैं 15 SHG देखती हूँ, 15 मौसम भी में मैं काम करती हूँ, 15 SHG देखती हूँ और सीएम के पद पर काम करती हूँ। और मेरा VRP जी दीदी जो है सो आते हैं, समूह के भी विजिट करते हैं और समूह में भी कुछ दीदी लोग के भी बताते हैं, बैठक कराने जाते हैं उस समय भी, अभी भी बता के आए हम दोनों आदमी। उसके बाद भी आते हैं तो बोले कि दीदी चलिए ना, एक आदमी को हम गर्मी कंपोस्ट बनवाए हैं, सो वहाँ आप देखिएगा और बता दीजिएगा कि कैसे कैसे बनना है। और बताए हैं, इससे पहले भी हमको बताए थे कि कैसे बनना है, तो जिस दिन इसमें गोबर डलाया और सब बना उना उस दिन हम भी आए थे और उसी दिन बताया था इसमें केचुआ उचुआ डला कर बनाया और बोले कि चाय पत्ती की तरह हो जाएगा। तो इसमें कोई भी माने कि जो साग सब्जी है, कोई भी खाद पदार्थ जो भी सब्जियाँ होता है और कोई भी अनाज भी होता है, सब में डालने से इनका कंपोस्ट अच्छा होता है, उसका भी लाभ अच्छा मिलता है, उसका भी बाली कोई अच्छा। भी कोई भी बाली में आप पटा सकते हैं जी, कोई भी बाली में ही पटा। यानी कहने का मतलब है कि इसमें VRP और CM दोनों आदमी का सपोर्ट से बनाया गया जी, है जी। अच्छा, जिस दीदी को आप मनवाए हैं उस दीदी से आप हमको परिचय करा सकते हैं जी? कहाँ पर है दीदी? है दीदी, आप बनाने का तरीका विधि सब सामग्री किनके द्वारा बताया गया आपको? प्रियंका, प्रियंका और CM दीदी के साथ थी, दोनों आदमी मिलकर आपको बताए इस तरह से बनाने के लिए, तो आपने तैयार किए, तो आपको अब कैसा लग रहा है? खाद बिल्कुल तैयार है, अच्छा लग रहा है। अब इससे आगे आपको क्या मकसद है, क्या सोच है कि इसके बाद फिर क्या इसको आगे बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा, कि और दीदी को और किसान भाई को बताइएगा बनाने के लिए कि नहीं बताइएगा? पहला ना बता देती, कहती तो बता सकते हैं, फायदा इसका है, फायदा भी बता सकते हैं। अच्छा, इससे आपका बचाव भी होगा दीदी। अब आप जो DAP यूरिया खरीदते थे, खरीदने के लिए इतना दर दर भटकते हैं, उससे तो आपको बचाव होगा। आप सभी दर्शकों को मैं राजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार किसान हेल्थ सेंटर में स्वागत करते हैं। ताकि हम भी एक VRP के पद पर काम करते हैं, जो कि बखार चंडिया पंचायत में VRP के पद पर काम करते हैं, और हम क्या करते हैं कि अपने पंचायत के अलावा अदर भी पंचायत में जाकर बर्मी कंपोस्ट जैविक कीटनाशक के बारे में बताते भी हैं। और जो हमारे VRP हैं, जैसे कुछ VRP लोग बनवाते हैं जैविक खाद, जैविक कीटनाशक, बर्मी कंपोस्ट, जीरो टिलेज से गेहूँ बाव करवाते हैं, उनको वीडियो भी बनाते हैं, वीडियो बनाने का काम भी करते हैं, ताकि जो भी हमारा VRP, जो भी हमारा संघ है, वो किस तरह से काम कर रहा है, कहाँ तक काम कर रहा है, इसी के लिए हम एक वीडियो भी बनाते हैं, ताकि हमारा जो पंचायत लेवल हो, ब्लॉक लेवल हो, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, स्टेट लेवल हो, लोग जाने कि पुरनैया प्रखंड जीविका के माध्यम से जितने भी VRP है जो या CM है, सब एक साथ काम कर रहे हैं, नाम रोशन कर रहे हैं।